अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इंस्टेंट पॉट में मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले इंस्टेंट पॉट में मैंने ऑयल डाला है, और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अपने साबुत गर्म मसाले ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। जब यह अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी और उसको इतना फ्राई करूँगी कि वो लाइट ब्राउन और लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। जब वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर मैं उसमें ग्रीन चिलीज और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसको फ्राई करूँगी। इसके बाद इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे प्याज नीचे ना लग जाए, और फिर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी और उनको अच्छी तरीके से भूनूँगी। जब स्पाइसेस भुन जाएं तो उसके बाद मैं अपने फ्रोज़न पीस ऐड किए हैं। फ्रोज़न पीस ऐड करने के बाद मैंने इसमें अपने राइस ऐड कर दिए हैं, और राइस में पानी को हमने इस तरह रखा है कि बिल्कुल लेवल पे, कि थोड़े से पानी के अंदर डूबे हुए हों, बस ज़्यादा नहीं। स्टिल यू कैन सी इट। सो यहाँ पे मैं प्रेशर कुक करूँगी फॉर 6 मिनट्स, और आफ्टर 6 मिनट्स मैं इसको नेचुरली रिलीज़ करूँगी स्टीम को फॉर 4 मिनट्स। जब हमारे राइस रेडी हो जाएंगे तो आपने लाइट हैंड से फ्लफ आउट करना है ताकि हमारे राइस टूटे ना। सो हियर यू गो, आई होप यू लाइक माई रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाई।